छपरा में विकास की खुली पोल, गड्ढों में तब्दील हुआ मुजफ्फरपुर छपरा हाईवे, बरायपुर पंचायत के पास जल जमाव से एनएच 722 बना हादसों का अड्डा, नागरिकों ने कहा निकम्मे हैं नेता अधिकारी। लेकिन कोई भी स्थानीय प्रशासन या स्थानीय प्रतिनिधि इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है और स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। जब एनएच का यह हाल है तो आप विकास का ढिंढोरा क्या पीट रहे हैं कि एनएच का दुर्दशा देख लीजिए। मोतिहारी की वर्चुअल रैली में बिहार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार का बड़ा बयान, नेपाल में बनेगी नई सरकार, चीन समर्थित कम्युनिस्ट सरकार का होगा अंत, भारतीय मूल के मधेसियों की होगी सत्ता। और जो नेपाल है उस नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है, और लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार, नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार, ये दोनों के बीच में जो संधि हुए हैं उस संधि को भी हमारे भारत के जो मधेसिया लोग हैं, जो गैर कम्युनिस्ट लोग हैं, वह आज नेपाल में आंदोलन कर रहे हैं और वह संधि त्वरित समाप्त होगी और वही नेपाल में भारत अनुकूल सरकार भी नेपाल की धरती पर शीघ्र बनने वाली है। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी को मारी गोली, पखरुखी थाना क्षेत्र के भवानी मोड़ की घटना, घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती, हमले के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस, दहशत का माहौल। बेगूसराय में डकैती की प्लानिंग में जुटे 8 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, संदलपुर गांव के बगीचे में जमा हुए थे आरोपी, पिस्टल और दूसरे हथियार भी बरामद, कार्रवाई जारी। मनोज यादव तथा उसके 6 और साथियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के ऊपर विवादित भूमि पे जबरन कब्जा कराने, रैकेट चलाने जैसे संगीन आरोप हैं और पूर्व में भी इन लोगों पे केसेस होते रहे हैं। इनके पास से 5 देसी पिस्तौल, 1 7.65 एमएम की पिस्टल, 12 बोर की 2 नाली मस्किट भी मिली है, साथ में 315 बोर की कुछ गोलियां और 12 बोर की भी गोलियां बरामद की गई हैं। पटना के नजदीक आसमानी बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, सरकुना सोरामपुर गांव की घटना, मोतिहारी में भी आसमानी बिजली की आफत, 3 की मौत, दर्जनों झुलसे, अस्पताल में इलाज। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।